शहरी क्षेत्रों में मस्जिदों में रमजान के पवित्र माह में शबे कद्र मनाई जा रही है। आखिरी अरसे में इस दिनों इबादत के दौर में काफी तेजी आ गई है। मस्जिदों में नात के साथ खुदा की इबादत की जा रही है। शबे कद्र मनाने के साथ अब दूसरे चरण की तरावीह में मस्जिदों में पढ़ी जा रही है। इस मौके पर गुलाबगंज मस्जिद में शबे कद्र पूरी अकीदत के साथ मनाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में रोजेदारों ने भाग लिया। किसी न किसी एक बार से मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल जैसा कि मैंने पिछली कुछ भाइयों में कहा था कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर जहाँ रोज़ा एक इबादत है, नमाज एक इबादत है, इसी तरह एक इबादत होती है जिसका नाम होता है तरावी। और पूरे उम्मत मुस्लिमा के लोग रमज़ानुल मुबारक के चांद देखते ही साथ तरावी पढ़ते हैं, और तरावी पढ़ने में का सिलसिला शुरू हो जाता है। और हर मस्जिद के अंदर एक कुरान पढ़ा जाता है, चाहे वो मस्जिद के अंदर तरावी हो रही हो या बाहर कहीं भी तरावी होती है, तो एक कुरान पूरा मुकम्मल किया जाता है। इसी कड़ी में पहला जो हिस्सा होता है वो 10 दिन की तरावी में तकरीबन मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद दूसरा हिस्सा अपने यहाँ गुनाह में शुरू होता है, वो होता है 20 तारीख के बाद कि 20वें रमज़ान को कहीं 21वीं शब मानी जाती है तो उसमें ख़त्म किया जाता है, कहीं 22 रमज़ान को ख़त्म किया जाता है, कहीं 23 रमज़ान को 24वीं शब में किया जाता है, और कहीं 24 रमज़ान को 25वीं शब में किया जाता है। बहरहाल रमज़ान का जो आखिरी रातें होती हैं उनमें ताक रात सबसे ज़्यादा अफजल होती है, जिसमें 21, 23, 25, 27 और 29 ये रातें आई हैं। इसके अलावा रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के अंदर जो भी रातें हों वो सब महत्वपूर्ण होती हैं और सब बहुत अच्छी होती हैं। उनमें हमको चाहिए कि इबादत को बढ़ा देना चाहिए और कसरत से रातों के अंदर इबादत करना चाहिए। और ये जो रातें आ रही हैं अभी, इसमें कुरान करीम मुकम्मल हो रहे हैं तमाम शहर की मस्जिदों के अंदर, और जिसको हम लोग शबे कदर कहते हैं वो शबे कदर मनाई जा रही हैं, और वो कल भी मनाई गई और आज भी मनाई जाएंगी। आज भी कई जगह गुना के अंदर कुरान करीम मुकम्मल हो रहा है, बूढ़े बालाजी की मस्जिद के अंदर मुकम्मल हो रहा है, और कल भी इंशाल्लाह शहर की कई मस्जिदों में 27वीं शब के अंदर भी कुरान करीम मुकम्मल होगा और शबे कदर मनाई जाएगी। और ये जो आखिरी अशरा है शबे कदर के साथ साथ लोग एतिकाफ़ में भी बैठे हैं इनके अंदर, तो मस्जिदों के अंदर जो लोग एतिकाफ़ में बैठे हैं उन हम लोगों को चाहिए कि उनका अदब एहतराम मलहूज रखें, और उन लोगों को चाहिए कि वो मस्जिद के अंदर अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में सर्फ करें और इबादत में खर्च करें।